हाँ जी हाँ जी हाँ जी हमारी 3 महीने की पेंशन, हमारी 3 महीने की पेंशन अदा करो, हमारी 3 महीने की पेंशन अदा करो, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। जी ये रेडियो पाकिस्तान के जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही, और उनमें बेवाएं हैं, उनके बच्चे हैं, और बहुत से ऐसे नादार लोग हैं जिनका गुजारा सिर्फ पेंशन पे है, ना मेडिकल की सहूलत मिल रही है, और अब तो वो बिजली के बिल और मकान का किराया भी अदा नहीं कर रहे, और खाने का भी उनको मसला है। तो हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो जल्द से जल्द इनकी पेंशन का इंतज़ाम करे, जो इनका हक है इनको दिया जाए, ताकि इनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। और ठीक है जी, हमने अपनी बात करनी है। अब ये देखिए ना, हमें 3 माह से पेंशन नहीं दी जा रही। अब ये MP MNA को अगर तनख्वाही ना मिले फिर मैंने पूछूंगा कि क्या हाल है इनके घरों का। इसे छोटे बाकी गवर्नमेंट मुलाजमों के लिए पेंशन नहीं है इनके पास। MP MNA को तनख्वाही ना मिले 2-3 महीने फिर मैंने पूछूंगा क्या हाल है। अच्छी है गवर्नमेंट ने हमें सील कर दिया, भूखे मार दिया भूखे लोगों को, कि घरों में लोगों की भूख आ गई है। कैमोटेशन मुझे 3 साल हो गए, मुझे कैमोटेशन नहीं मिली अभी तक, अभी तक मेरा बकायदा नहीं मिला। जब भी पूछा जी पैसे मांग मिलेंगे देंगे, भाई तुम मांगोगे तो दोगे, मांगोगे तो दोगे, बात ये है। ये हमारे DG साहब का सारा कसूर है। DG साहब क्यों नहीं करते हमारे लिए? सरबरा है, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है कि तुम्हें तो मिल रही है, तुम्हें क्या है, DG को मिल रही है, सबको मिल रही है। इन्हें ना मिले फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा कैसे गुजारा होगा घरों का। एहतजाज हो रहा है पेंशनर के बारे में, और हमारा इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमें 3 महीने की जो पेंशन है ये फौरी तौर पर अदा की जाए, 2 महीने ईद से पहले पहले ये हमें अदा कर दी जाए, क्योंकि इसमें देखे ना कि भी सब लोग जो है ना अक्सर इसमें जो 99% वो पेंशनर हैं जिनका पेंशन पे गुजारा है। और जो दूसरी सूरत यह कि मेडिकल के बारे में भी सब ने कहा कि मेडिकल नहीं मिल रहा, वो भी DG साहब को उस पर भी तवज्जो करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है हमारा वो पेंशन का है। हम DG साहब से, सेक्रेटरी साहब से, जनाब इसहाक डार साहब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हैं कि पेंशनों के हाल पर रहम करम फरमाएं और फौरी तौर पर ईद से पहले पहले 3 महीने की पेंशन अदा करें। बस हमारा मसला तो यह है कि 3 माह से पेंशन रुकी हुई है, हालांकि वो हमारा हक है जो हमने 35 साल या 30 साल या 40 साल नौकरी की है, उसके बाद ये उस अप्लाई का हक हो जाता है उस पर कि जी वो पेंशन दी जाए। अब वो अगर कोई मसाइल है तो ये हुकूमत का काम है कि वो मसला हल करे, या हमारी मैनेजमेंट का काम है कि वो ये मसला हल करे। और जो ये बेचारे पेंशनर हैं जिनकी उम्र 60 साल से लाजमी ऊपर ही है ना जी, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ गुजारा इसी पेंशन पर है, उनके लिए अब 3 माह से जो पेंशन नहीं मिल रही, पता नहीं वो किस तरह अपना गुजारा कर रहे होंगे। हमारी तो गुजारिश है मैनेजमेंट से भी, हुकूमत से भी, कि ये मसला हल किया जाए फौरी तौर पर। रहीम जी गुजारिश ये है कि हमारे भाई हैं, हमारे असासा हैं, हमारे इसमें रिटायर्ड अफसरान हैं, ये तो इनका हक है। 3-3 माह से मतलब इन लोगों को पेंशन नहीं मिली। हम लोग भी यहाँ से 20-22 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, हमें भी 2-3 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली। तो सबसे पहले इन दोस्तों को, इन साथियों को, हमारे सीनियर्स को, ठीक है, हमारे साहब का अफसरान को इन्हें पेंशन मिलनी चाहिए और हमें भी तनख्वाहें मिलनी चाहिए। बहुत मेहरबानी। इनको मेडिसिन की अशद ज़रूरत होती है, अगर ना मिल सके तो इनकी ज़िंदगी का मसला बन जाता है, तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो इन्होंने खिदमत की है इस इदारे की एक अरसे से, और अब ये इस नौबत को पहुंच चुके हैं कि फाका कशी पर मजबूर हैं। जब पाकिस्तान बना तो 2 और अदारे गवर्नमेंट ने बनाए, लेकिन 2 अदारे बहुत अहम थे। एक हुकूमत अफवाज पाकिस्तान, जिसे 7000 किलोमीटर पर जगह छेड़ी हुई ताकि लोग पाकिस्तान में अमन से बस गए। दूसरा रेडियो पाकिस्तान, जिसने नजरिए पाकिस्तान के लिए कोशिश की है। ये जब से कायम है इसको उस प्रकार में कभी उसमें करते हैं, कभी कहीं करते हैं। देखें नजरिए पाकिस्तान को ये सपोर्ट कर रहा है और सरहद को वो सपोर्ट करी, तभी हम पाकिस्तान में अमन सुकून से बैठे हैं। ठीक है, अच्छा, शुक्रिया मेहरबानी।